ये जो आपको मिट्टी में सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये दोस्तों सरसों खली की लिक्विड कंपोस्ट यूज करने के बाद पैदा हुई फंगस है, जो कि अक्सर सभी की समस्या होती है कि जब हम सरसों खली की लिक्विड कंपोस्ट यूज करते हैं तो हमारे पौधों में मिट्टी में इस प्रकार फंगस लग जाता है। तो इससे हमारे पौधों को क्या नुकसान होता है, कैसे इसका क्या उपाय करें, सरसों की खली की लिक्विड कंपोस्ट कैसे यूज करें कि ये फंगस हमारे पौधे में ना लगे, इसकी पूरी जानकारी वीडियो में आगे मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की खली के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमें इसे यूज करना चाहिए और किस प्रकार हमें इसे अपने गार्डन में यूज करना चाहिए। दोस्तों अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों सरसों की खली जो होती है ये नाइट्रोजन से भरपूर होती है। हमारे गार्डन में हमारे पौधों को जो एनपीके की ज़रूरत होती है तो एनपीके के रूप में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन होती है जो कि हमारे पौधे की फ्लॉरिंग और फ्रूटिंग की स्टेज को बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुँचाती है। आप सरसों की खली को ओवरऑल ग्रोथ के रूप में भी यूज कर सकते हैं पौधे के लिए। ओवरऑल ग्रोथ के लिए सरसों की खली कि लिक्विड कंपोस्ट या ड्राई कंपोस्ट किसी भी रूप में आप यूज करें, ये बहुत ही फायदेमंद होती है हमारे पौधों के लिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसको हमें यूज कैसे करना है। दोस्तों वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि सरसों की खली के जो नुकसान होते हैं हमारे पौधों में या मिट्टी में, उससे कैसे बचना है, क्या उपाय है कि हम उससे बचें। और इस खली में बाकी नॉर्मल सिर्फ हम सरसों की खली को ही नहीं यूज करेंगे, इसके साथ हम नीम खली भी यूज करेंगे। मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि नीम खली क्यों यूज करेंगे और क्या कारण है कि हमें सरसों की खली के साथ नीम की खली यूज करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सरसों की खली को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए आपको ड्राई फॉर्मेट में सरसों की खली पाउडर में भी मिल सकती है और इस तरह ग्रेनुअल्स में टुकड़ों में भी मिलेगी। तो अगर टुकड़ों में है आपके पास तो उसे ड्राई कर लीजिए पहले अच्छे से और फिर उसको मिक्सी में पीस के पाउडर बना लीजिए और फिर उस पाउडर को आप अपने जो ग्रो बैग के लिए गमले के लिए मिट्टी तैयार करते हैं उस मिट्टी में मिला लीजिए। और अगर आपने रिपॉटिंग कर रहे हैं तो आप रिपॉटिंग करते समय उसमें सरसों की खली यूज कर लीजिए। इससे आपके पौधे को जो नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा में मिलती है तो उससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत तेज होती है और बहुत ही हेल्दी पौधा बनता है। इसके अलावा आपको ड्राई फॉर्मेट में जब आप यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट थोड़ा स्लो मिलता है, क्योंकि ड्राई फॉर्मेट में जो रूट्स होती हैं वो जब तक उसको एक्सेप्ट करेंगी ग्रहण करेंगी तो टाइम लगता है थोड़ा डिजॉल्व होने में। इसलिए इसकी लिक्विड मैन्योर बहुत ही लाभकारी होती है पौधों के लिए। तो मैं बताता हूँ आपको कि लिक्विड मैन्योर कैसे बनाना है और नीम खली को उसमें क्यों मिलाना है। दोस्तों हम क्योंकि बड़े काफ़ी बड़े उसमें नहीं बताते, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको 1 लीटर में बता रहा हूँ। करीब 50 से 60 ग्राम आप सरसों की खली 1 लीटर पानी में भिगा लीजिए। अगर आप आपके पास पाउडर है तो आप उस पाउडर को ही 50 से 60 ग्राम डाल लीजिए, या फिर आपके पास अगर इस तरह टुकड़े हैं तो इस टुकड़े को भी आप डाल दीजिए 1 लीटर पानी में 50 से 60 ग्राम। अब इसमें देखिए हम पानी मिला देंगे, ये 1 लीटर का बोतल है इस प्रकार। अब दोस्तों सरसों की खली भिगाने के बाद इसी समय पे हमें इसमें 1 मुट्ठी करीब नीम खली भी डाल देना है, ऐड कर लेना है। 1 मुट्ठी हमें इसी सरसों की खली में, आप देखिए नीम खली को भी हमें इसी में भिगा लेना है। और नीम खली भी देखिए इस तरह से हमने भिगा लिया है और इसको किसी चीज़ से हम चला देंगे ताकि कोई भी इसमें सारे पार्टिकल्स इसके इसमें पानी में अच्छे से घुल जाए। अब नीम खली दोस्तों हम इसमें क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा जब हम सरसों खली लिक्विड मैन्योर अपने गमलों में डालते हैं तो वो मिट्टी में एक फंगस पैदा करता है, मिट्टी को नम ही होने की वजह से एक फंगस पैदा करता है। तो उस फंगस से मिट्टी को बचाने के लिए हम नीम खली यूज करते हैं। नीम खली हमारी ऑर्गेनिक है जो मिट्टी में फंगस लगने से बचाती है। तो इसको हमने 2 दिन के लिए रख देना है
खुला ही, और 2 दिन बाद फिर इसको हम यूज करेंगे। दोस्तों ये 2 दिन पहले बना के रखी हुई मेरी कंपोस्ट है जो पूरी तरह से तैयार है, अच्छे से पानी में डिजॉल्व हो गई है। आइए हम आपको बताते हैं कि इसे यूज कैसे करना है, किस तरीके से और क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। 1 लीटर का जो हमारा सरसों खली लिक्विड मैन्योर है जो सर्दियों के सीज़न में हम यूज़ करते हैं, तो इसे 4 से 5 गुना पानी में ऐड करते हैं फिर यूज करते हैं। तो 1 लीटर के सरसों खली को हम 4 लीटर पानी में यूज करेंगे। अगर आप इसको इसी तरह यूज कर लेंगे तो सरसों की खली पौधों में ज़्यादा हो जाएगी, और किसी भी चीज़ की मात्रा अगर पौधों में ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसान पहुंचाती है। ये हमारी 4 लीटर की बाल्टी है जिसमें पानी हमने भर रखा है, और इसको हम इसमें मिला लेंगे अच्छे से, और हम इसको इस तरह से अच्छे से चला देंगे। और अब ये हमारी कंपोस्ट जो लिक्विड कंपोस्ट है ये पूरी तरह से यूज करने के लिए रेडी है। अब हम देखते हैं कि हमें इसे यूज कैसे करना है। दोस्तों जो हम किसी पॉट में इसे यूज करेंगे तो आइए यूज करके देखते हैं। दोस्तों ये मेरा पौधा है जिसकी आप जब भी सरसों खली लिक्विड कंपोस्ट कोई भी यूज करें तो ये केयर रखें सरसों खली में, खासकर कि आपकी मिट्टी जो गमले की है वो ड्राई हो, ड्राई मिट्टी में ही यूज करें, और उसकी गुड़ाई आप जरूर पहले से कर दें, क्योंकि जब गुड़ाई किए रहेंगे तो जब भी आप लिक्विड मैन्योर इसमें डालेंगे तो लिक्विड मैन्योर आपकी रूट्स तक बड़ी आसानी से चली जाएगी। तो इस प्रकार जो लिक्विड मैन्योर हमने तैयार किया है, अगर 12 बाई 12 का गमला है तो उसमें आप करीब 1 गिलास, या आप ये कह लीजिए 50 से 60 ml, अगर उससे बड़ा गमला है तो गमले के साइज के हिसाब से आप लिक्विड मैन्योर उसमें ऐड करें। देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया, और ये देखिए जो भी पानी हम इसमें लिक्विड मैन्योर डाल रहे हैं ये सीधे गुड़ाई होने की वजह से नीचे चला जाएगा, रूट्स को जो फीडर रूट्स गमले के चारों तरफ फैली होती हैं उनको मिलेगा, और इसके मिलते ही आपको गारंटेड रिजल्ट 2 से 4 दिन के अंदर आपको पौधे पे दिखाई देने लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक सरसों खली का लिक्विड कंपोस्ट नहीं यूज किया है तो एक बार जरूर यूज करें, और फिर अपना रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।